सही बता रहा भाई साहब, नॉर्थ की लड़की तुझे क्यों घूर रही है, इश्क विश्क हो गया क्या तुझसे, देख कितनी गौर से घूर रही है, देख हंसी रही है। सुबह गुड मॉर्निंग, यो मैन। तो हमारे भाई आ चुके हैं और आज हम बहुत धमाल करने वाले हैं। Let's तो धमाल में पता नहीं क्या करेंगे, और आके बस खुली है तो हम पहले जाएंगे करोल बाग, फिर पेंटिंग का सामान लाना है, फिर फोन कराना है, फिर इसे घुमाना है, फिर इसको एक छोटी सी बंदी लाके। ओए ओए भाई, पोपट मेरा ऑलरेडी हो चुका है, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मुझे जाना था एक और इवेंट में, दैट इज लोधी गार्डन में था, बट पहुंच नहीं पाया क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। एक्सप्रेस वे आज बड़ा है भाई, थोड़ी तू ट्रैफिक, क्या ट्रैफिक भाई, ग्रेटर नोएडा वाला जो मेट्रो से जाता है ना, एक्सप्रेस वे पे थोड़ी ना मेट्रो चलती है, तो वहां पे गंदा वाला जैम लगा हुआ था। ओके, तो उसके चक्कर में आज मैं किसी से यार मिलने वाला भी था, तो उस चक्कर में उससे मिल भी नहीं पाया। मिलने वाला था, समझ रहे बात इसकी, मिलने वाला था। अब उम्मीद है कि कल मिलेंगे, कल शाम की देखते हैं, कल शाम को मीटिंग वगैरह देखते हैं, कुछ करेंगे बाकी का। अभी आज का तो एंजॉय करते हैं ना, आज का दिन यस मचाएंगे, बाकी का धोखेबाज इंसान है ये डीजी और आकाश, तीनों धोखेबाज इंसान है, खूब धोखा दिया, मतलब कल तो दिया ही है, परसों भी दिया है, चला गया था भाई हमारा घर पे चला गया था, और हम तीनों मस्ती करने गए थे, अब भाई घर है तो कैसे आएगा। अच्छा मैं यही था, डीजी को बता था कि मैं यही हूँ, मैं आ गया, मुझे नहीं बता था। हाँ रहने दे भाई, रहने दे, ये अच्छा नहीं। चल व्यू दिखा सबको कैसा है मेरे फ्लैट का, रुक जा रुक जा रुक जा, दिखाता हूँ। ये है हमारी छत, ठीक है, बहुत लंबी छत है, बहुत सारी हम पार्टी करते हैं, और ये पूरा व्यू है, ये पूरा जब यार बारिश होती है ना, क्या मस्त हो जाता है, अलग ही है भाई। ये तो तब मैंने रखे, तेरे तेरे तो नहीं है भाई, नहीं, तेरे लिए नहीं है। एक चीज तो भूल ही गया था, जन्मदिन मुबारक हो, मुझे लड़कियां नहीं, सीन ये था, ये अपने बर्थडे वाले दिन यार बाली में था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, भाई को मना भी किया था कि बाली मत जा, और बाली जाके क्या क्या करना है क्या ये बता दे। फोन घुमा दिया, कौन सा एक्सेस, और पर्स घुमा दिया, पर्स में कितने पैसे थे, पैसे नहीं थे पर डॉक्यूमेंट सारे, हाँ डॉक्यूमेंट थे, नहीं थे। कार्ड में से कितने पैसे गए, कार्ड में से पैसे मत पूछ यार, वहां किसी ने स्कैन करके शॉपिंग कर ली 20,000 की। मतलब एक तो बाली गया सो गया, और प्लस ऊपर से 1.5-2 लाख रुपए खर्च करवा, मतलब उड़ा के आ गया, मतलब और सुना भी आ चुकी है वो बैठी, और वो हमेशा किधर है, फोन में लगी हुई है। चले ओ मोरनी बन के, बिल्कुल ब्रो, ओके। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, करोल बाग जा रहे सीधा, सीधा हम करोल बाग जा रहे हैं, तो मेरे ये फोन तो पे स्किन लगवानी है, इसके फोन पे स्किन लगवानी है, इसकी डिस्प्ले टूट गई है क्योंकि इसने रात में फोन फेंक दिया था गुस्से में, ठीक है, पता नहीं किस बात का गुस्सा था बट फेंक दिया था। तो अभी हम पहले एक्चुअली में, हाँ एक चीज तो बताना भूल गया ना, भाई ने कुछ करवाया, दिखा जरा, अबे नहीं दिखेगा, अबे नहीं दिखेगा ना, ओ हाँ दिखा 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 दिखा, ये कुछ करवाया इसकी ऊपर से, ये हटवानी है पन्नी, तो बट उस बंदे ने बोला कि भाई साहब 4 बजे आना शाम को, तो अभी हम 4 बजे जाएंगे, बाकी का यार काला क्यों आ रहा हूँ इतना मैं, क्योंकि तू है सांवला। अबे ओ देख, मुझे तू देख, रुक जा रुक जा, मुझे देख एक बार, देख तो नहीं नहीं, रुक जा रुक ना, इधर तो दिखा लड़की रहा है, डिफरेंस देख, इतना इतना मैं सही आ रहा हूँ, इससे ऊपर क्यों मैं कहा आ रहा, एक बार देख तो, हाँ क्या मैं कितना गोरा दिख रहा हूँ, देख हाँ लाइट में और घुस जा, क्योंकि मैंने शेड लगा रखी है गाड़ी, भाई मेरे को धूप से एलर्जी है, हाँ वो तो मुझे भी है, तुझे पता है भाई मुझे भी है,
ठीक है तो अब भी करोला, बट यार पहले यार ब्रेकफास्ट करेंगे भाई, बहुत तेज से गंदी वाली भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मतलब तू भूखे पेट क्यों आता है हमेशा? भूखे पेट इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में कहीं जाना था जो इवेंट पे, और वहाँ पे फुल ब्रेकफास्ट मेरा, सारी चीजें मेरी सारी सारी स्पॉन्सर्ड थी, बट अच्छा देख जा सीरियस बात, जहाँ भाई जहाँ फ्री खाना मिल रहा हूँ, कुछ लोग गाड़ी चलाते हुए ऐसे करते हो मार दियो देख बात सुन ले देख जहाँ भाई जहाँ फ्री खाने की उम्मीद हो तो खाना नहीं खा के जाना चाहिए, वहाँ पे उम्मीद थी फ्री खाने की तो, बट क्या करें ट्रैफिक की वजह से नहीं जा पाए। ये तूने देख बढ़िया काम किया है ना। हाँ अभी ठीक है, तेरे को ब्लॉगिंग करनी है अभी ठीक है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड यार, ग्लो, ओह माय गॉड, इस लड़की में भी इतना ग्लो नहीं होगा, ये कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा मैं बता देता हूं, अबे इसकी आंखें देखो भाई, ये पूरे ब्लॉग में हाँ कुछ नहीं बोलेगी, एक शब्द भी नहीं बोलेगी ये लड़की। हाँ ये बात की गारंटी है, हम गारंटी ले सकते हैं, ये कुछ नहीं बोलने वाली है। अबे यार करती रहेगी बस। बच्चे? कितने बच्चे? मैंने ये नहीं बोला बच्चे हैं, मैंने बोला सब माँ बना लेते हैं तुझे। हाँ। तो फिर टोटल बच्चे कितने हुए ये तो बता। टोटल? हाँ टोटल करके बता, जितने से भी चलते चलते बात करती हूँ सब। फिर भी सब कितने? हजार दो हजार, हजार दो हजार, चार हजार, कितने अंदाजा बता। नहीं हजार दो हजार तो ज्यादा। फिर कितने? 500। वो कौन सा चक्कर था, वो बनाया था अर्जुन के लिए जिसने, वो तो बना ही लेगी तो। अभिमन्यु वाला चक्कर है, तोड़ देगी ये तो चक्कर भाई, बड़े आराम से, मतलब 500 बच्चे समझ रहा है। अच्छा सबसे बढ़िया बात क्या है कैंपस के आसपास घूमने की, कि यहाँ पे बहुत से आइटम दिखने को मिल जाते हैं। नॉर्थ कैंपस पता है दिल्ली में बेस्ट जगह है अगर तुम्हें घूमना है ना। नॉर्थ कैंपस में सबसे जरूरी चीज जो मुझे दिखाई देती है कि प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। गोरी लड़की काला लड़का भेदभाव हम करते हैं भाई। मैंने अबे नहीं नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में मैंने ये देखा है भेदभाव भाई कुछ भी चल रहा होता है, कुछ भी चलता है यार, कुछ भी चलता है। सबसे जरूरी चीज तो ये होती है फैशन इतना मतलब अजीबो गरीब होता है ना। नहीं बट हमारे साथ में पता पंगे कहाँ पे आ जाते हैं, हम जाते हैं सर बन के वहाँ पे, फिर वो गैप आता है ना, तभी वो लगता है कि यार ये इतना अतरंगी स्टाइल तो हमारा भी नहीं होता यार। हाँ ये तो बात है, नहीं हमारी भी पैंट फटी होती है, बट पैंट के नीचे गुलाबी जूते नहीं होते, वो मुंह में सिगरेट नहीं होती। अब इनको देख ले, ये बाहर दिख रहे हैं जो, देख उसको देख, उस लड़के को देख देख, अब ये कलर इस पे मैच कर रहे हैं क्या? ओ मैन, ओ मैन, इनके लिए बना रहा हूँ, इनके लिए बना रहा हूँ, साइड से ले रहा हूँ। अच्छा सही बता रहा भाई साहब, नॉर्थ की लड़की तुझे क्यों घूर रही है? इश्क विश्क हो गया क्या तुझसे? देख कितनी गौर से घूर रही है, देख हंस भी रही है, देख मत कर यार। देखो नॉर्थ कैंपस में अगर तुम्हें अगर घूमना है ना, नहीं लड़का भी हंस रहा है अब तो, लड़का भी हंस रहा है भाई। अबे कर लेने दे, एक मिनट रुक जा। अगर तुम्हें दिल्ली में अगर घूमना है ना, अगर मस्ती करनी है, अगर तुम्हें एक्चुअल में अगर तुम्हें देखना है कि लाइक दिल्ली कैसी है, क्या है इसमें, अगर ड्यू अगर तुम्हें देखना है भाई, नॉर्थ कैंपस से बेस्ट जगह नहीं है कहीं पे भी। अगर आप नॉर्थ कैंपस आते हो ना, लाइक अल्टीमेट जगह है। ओ या हो गया, ओ या, ओ या, ओ या, देखो लड़की तुझे भी देख रही है, लेस्बो बनेगी आ गई ना वही। चलो अभी चलते हैं अभी। अच्छा प्लान में हमारा चेंज है, पहले हम करोल बाग नहीं जा रहे हैं, तो पहले हम जाएंगे टैटू निकलवाने के लिए, आई मीन जो ऊपर जो पॉलिथीन बंधी हुई है वो निकलवाने के, उसके बाद में हम जाएंगे करोल बाग। सो भूख पता नहीं यार किस टाइम मिटेगी, बट बहुत गंदी वाली लगी है, इसको भी लगी है। तुम सबको चिकन रोल खिलाऊंगा करोल बाग का, टेंशन नॉट, तभी मैं वेट करा रहा हूँ। एग चिकन रोल बेस्ट है वहाँ का भाई। नहीं एग चिकन रोल बेस्ट है, बट मैं चिकन में खाता नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं पनीर रोल भी है, बस पनीर रोल फिर खाएंगे। वहाँ पे गाय वाला भी पनीर है, रुक जा, वहाँ पे घास फूस भी है। नहीं 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 तूने जो पनीर वाला जो बोला है ना, उससे मुझे कुछ याद आया, तूने जो दूसरा वाला जो बोला था, मैंने वही वाला बोला जो तूने सोचा। बस ठीक है, हो गया। रुकिए रुकिए, मेरा हाथ आप है जिसे, रुकिए रुकिए, कैसे मत करिए, कहाँ से पलट गई, हटो यार हटो। अभी यहाँ पे शेविंग होगी, दाढ़ी बनाई जाएगी, चलिए वही करोल बाग पीछे आ डालना है, चल ही रहा है, सवाल करते तुम्हें ओके। सो अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं वो है बोंटा पार्क, एंड
ये काफ़ी फेमस है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए जो हमें घर में अलाउड नहीं होती है, जिसका भाई साहब को बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली बेसिकली दो कबूतर चोंच बिड़ाते हैं। ओके जो जितने भी पार्क वाली डेट होती है वो ज़्यादातर कॉलेज के बच्चे यहाँ करते हैं। हाँ तो आप देख सकते हैं कितना लड़कियों का और लड़कों का ग्रुप जा रहा है। यस ये रहा और इनके बिना इसी के हम बिना परमिशन के अच्छा काउंट करें। अच्छा तीन लड़कियां तीन लड़के नाइस कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है इनमें। ये अभी बोंटा से निकल के आए हैं एक दूसरे की लिपस्टिक उतार के नाइस बट यार क्या सही लग रहा है ना यो रास्ता ये रात में बहुत अच्छा दिख रहा है भाई। अंधेरी गुफा अंधेरी गुफा ए भाई 70 रुपए लिखे 3 घंटे के और 1 घंटे के मांग रहे हैं। 1 घंटे मतलब भाई कौन से हिसाब से मांग रहा है ये तो बता दे। लिख के हुआ तेरे बदमाशी में। अरे भाई बाहर लगना अलाउड नहीं है तो बाहर क्यों लगवा रहा अंदर लगवा दे। चल 70 दूंगा तेरे को 1 घंटे भाई 70 देंगे तेरे को 1 घंटे के। अंदर जगह ही नहीं है भाई। ठीक है भाई सारे पंगे करोल बाग होते रहते भाई सब होते इसीलिए गाड़ी लेके नहीं आनी चाहिए। बट हमें कहीं और जाना है तो इस वजह से गाड़ी लेके आनी पड़ी। इधर चलना है तो अभी हम आ गए हैं गफ्फार मार्केट जो प्रॉपर जो गफ्फार मार्केट है। यहाँ पर फोन का मतलब कुछ भी चाहिए हो तुम्हें कुछ भी तो कुछ वो भी हर चाहिए कुछ भी। फोन के कपड़े हाँ, फोन के हार फोन के पैर कुछ भी चाहिए सारी चीज मिल जाएगी। तो जो जो दिलवा सकता है लोग ऐसे देख रहे हैं अरे हाँ सही में। और ये आसपास में अगर भाई नहीं एक चीज तो है पब्लिक प्लेस में अगर तुम ब्लॉक करते हो ना भाई सबसे गंदा सीन होता है कि लोग ऐसे देखते हैं ना पता नहीं क्या हो जाता है। इंडिया में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें मतलब पूरी दुनिया पूरे इंडिया में तुम्हें जो फोन की चीज़ ना मिले ना वो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। झूठा हाँ सच। और अच्छा बता इसके अलावा और कौन सी मार्केट है जरा बताइयो मुझे ऐसा। अच्छा हाँ इसके अलावा और कौन सी मार्केट है यही मार्केट है यही है भाई। अबे आगे यही है काउंटर इसने चेंज कर दिया। अच्छा काउंटर चेंज हो तो हमारे अच्छे तरीके से हमारे देखो बुरी तरीके से लग चुके हैं। हम आए थे स्किन लगवाने के लिए वो हमारी लगी नहीं फिर तो हमारा दोनों हमारा बंदा गायब है ना। चले जीते क्या तू बेइज्जती कर रहा है बताएगा बताइए किसके लिए बट लिए यार इसमें बेइज्जती वाली बात क्या है भाई इसमें बेइज्जती वाली बात क्या है। देख सीधी सी बात है हर कोई यार ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर सकता 15,000 के जूते अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ओरिजिनल ले आया हूँ बट ये मुझे देने अपने पापा को तो मैं उनको चूना लगा रहा हूँ मतलब अपने वाले डिब्बे में डाल के। बेशरम इंसान ओरिजिनल भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। 15,000 के जूते लेके आया है ओरिजिनल अपने पापा के लिए 1500 के दो जूते लिए हैं मतलब शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी। ओके ऑल राइट सो डिस्प्ले हो गई है डिस्प्ले का काम हो गया सेटिस्फाइड है तू। अच्छा ठीक है तू सेटिस्फाइड है ये बता। हाँ तो MI की डिस्प्ले इसको लगा के दे रहे थे 8,500 वन प्लस की डिस्प्ले लगा रहे थे 8,000 में और हमने कराई है यहाँ पे 1500 रुपये में ओरिजिनल और ये सर्विस सेंटर पे 8,000 से 9,000 में लग रही थी तो लाइक है फ़ायदा है बहुत फ़ायदा है इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है। चलो ठीक है अच्छा तो अभी हम लोग करोल बाग के पास में मतलब रोल खाने के लिए आए थे बहुत गंदी वाली भूख लगी है। टाइम हुआ है 3:59 4 बजे सुबह से कुछ नहीं खाया इवन मैंने पानी भी नहीं पिया है। सो या जो भी है जैसा भी सीन है बाकी का आज के हमने शॉपिंग बहुत सारी की है बहुत सारी क्या मतलब कितने तक की हमने की होगी शॉपिंग में पहले मेरा हाँ तो आप सह परिवार आमंत्रित है धन्यवाद शादी में धन्यवाद हमारे भाई की भाई मेरी नहीं भाई की शादी हुई है ये तो करने से रहा ठीक है थैंक यू भाई जरूर आऊँगा 1 तारीख को है ना डन रोल बिल्कुल आऊँगा। अच्छा बाकी का अभी इंतजार कर रहे हैं कि यार कुछ खाने के लिए आ जाए बस रोल वाले का इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब रोल दे दो आके ताकि कुछ खा लें। बुला के नहीं देगा जाना पड़ेगा। ओह हम यहाँ पे सेठ आदमी बन के बैठे हुए थे वो भाई यार चलो आने दो आजा भाई 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 तू भाई है अरे आजा मेरी जान आजा ठीक है ले लिया ना भाई ले अबे हराम खोर आजा थैंक यू मेरी जान ये ले थैंक यू। बहुत टेस्टी रोल है यार नहीं टेस्टी तो है हाँ एक नंबर और ये अपना चिकन हमारे दो पनीर और छोटी सी कोक क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ यही पीजिएगा मतलब नहीं ये क्या करना चाह रहा है शीशा साफ कर रहा हूँ पानी के।
मतलब कंजूस इंसान बाकी सारे चीजें करके तू सब में पैसे खर्च कर देगा, एक बार गाड़ी धुलवा ले भाई। अरे भाई वो हो गया ना उसमें, क्या कहते हैं, फ्री में हो गया। फ्री में नहीं यार, वो पानी वेस्ट हो रहा था और मेरे इसके अंदर पानी नहीं है वाइपर के, तो मैंने सोचा do something। अबे नहीं यार, अब यार सही दिख रहा है, एकदम क्लियर हो गया। एक ना कितना मक्खन दिख रहा है यार। ओके, तो फिलहाल का अभी सीन ये है कुछ नहीं कि मैं जाऊंगा करोलबाग मेट्रो स्टेशन, वहां से मैं मेट्रो पकड़ के नोएडा वापस जाऊंगा, क्योंकि हम लोग कहीं कल कहीं जा रहे हैं। मॉर्निंग में किस टाइम निकलना है ये बता दे बस। जल्दी निकलना, तुझे रात को ही मेरे पास आना पड़ेगा। रात को ही आना पड़ेगा। चलो जी, हम पहुंच गए करोलबाग मेट्रो स्टेशन। मुझे भाई यहीं पे ड्रॉप कर दे साइड में, मैं ऊपर जा करके मैं निकल जाऊंगा। चल जाने मन, बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? चल बाय, चलेगी, चल आ जा। ओके ऑलराइट गाइस, सो मैं पहुंच गया था यहाँ पर लगभग 6:30 बजे, बट अभी मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, कल मेरा थोड़ा सा काम है, रजिस्ट्रेशन करवाना है एक्चुअली मैं कॉलेज में, सो वो वाला काम करवाने के बाद में उसके बाद में जाऊँगा मैं वापस। सो अभी के आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यस लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी एनर्जी के साथ, इसी मस्ती के साथ में। सो साथ बनाए रखिए।